गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड. टुडे मॉरल इज, इफ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट. इफ यू कांट चेंज इट, चेंज योर एटीट्यूड. इट मीन्स अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसके बदले, यदि आप इसे बदल नहीं सकते तो आप अपना रवैया बदलें. मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो चीज़ बदल दीजिए. अगर आप उस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं तो आप अपने आप को बदल लीजिए कि आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगे. ओके? क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे. तो इसीलिए या तो वो चीज़ हटा दीजिए. अगर वो चीज़ आप नहीं हटा सकते तो अपने आप को बदल लीजिए कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, मेरे लिए अच्छा ही करेगी. ओके? सो आज मैं फिर से आपका एक बार रिवाइज हो गया है चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 5 चैप्टर तक आपका टेस्ट हो गया है. लेकिन आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए फिर से फर्स्ट सेकंड चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ ना आपका, तो इसलिए आज फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. शॉर्ट में देख लीजिएगा और उसके बाद कल आपका टेस्ट होगा 3 बजे से. ओके? तो मैंने बताया था चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपके वर्क को बहुत ही आसान बना देती है, बहुत ही फास्टर बना देती है. डिफरेंट डिफरेंट मशीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क करती है. जैसे आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धुलेगी, मिक्सर है तो ग्राइंड करेगा. ठीक है? तो मोस्ट मशीन आर डेडिकेटेड मशीन दैट कैन डू ओनली वन टाइप ऑफ वर्क. तो जैसे कुछ मशीन केवल एक ही टाइप के वर्क करती हैं, जिसलिए उनको बनाया होता है केवल वो वही काम करती हैं. लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है. कंप्यूटर बहुत से काम को करता है. कंप्यूटर डू वेरियस टास्क लाइक ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, डू कैलकुलेशन, राइट लेटर, प्ले मूवी, टीच लेसन, प्ले म्यूजिक, चेक स्पेलिंग, प्रिपेयर बजट एंड मेंटेन द अकाउंट. आप कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, आप कोई पिक्चर भी कलर कर सकते हो, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, आप लेटर भी लिख सकते हो, आप मूवी भी देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो, स्पेलिंग भी चेक कर सकते हो, बजट भी बना सकते हो. ओके? तो वो बहुत से कामों को करता है. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. एज यू नो, कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन. पता है कि कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है. ये वर्क करता है प्रिंसिपल पे. कौन से प्रिंसिपल पे? आईपीओ साइकिल पे. आईपीओ साइकिल मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. मतलब इनपुट इन आईपीओ साइकिल डाटा इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू द मशीन, दे आर प्रोसेस्ड एंड फाइनली द रिजल्ट इज गिवन. इसमें क्या होता है, डाटा इंस्ट्रक्शन हम लोग डालते हैं मशीन पे और वो प्रोसेस होता है, और फिर हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है. जैसे हमने कोई चीज़ एंटर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो फिर प्रोसेस हुआ. प्रोसेस होने के बाद उसने हमको क्या दिया? रिजल्ट दिया. क्या दिया? रिजल्ट दिया. इनपुट प्रोसेस आउटपुट. नेक्स्ट है, टू फर्दर अंडरस्टैंड द आईपीओ साइकिल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मेकिंग बनाना शेक. अगर हमको और एग्जांपल लेना है आईपीओ साइकिल का
तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बनाना शेक बनाने। जैसे हमने लिया बनाना और मिल्क शेक, मिल्क और शुगर, ठीक। ये तीनों क्या हुआ, हमारी इंग्रेडिएंट हुए। फिर हमने इसको कहाँ डाला, पुट इनटू द मिक्सर। फिर हमने इसको मिक्सर में डाला, अब मिक्सर में डाला तो क्या बन के निकला, बनाना शेक। हमने क्या बना बन के निकला, बनाना शेक। फीचर ऑफ अ कंप्यूटर, तो फीचर कौन कौन से होते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डेलीगेंस, वर्सिलिटी, ये सब क्या होते हैं, फीचर होते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर में अपना वर्क करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, ये बहुत से जॉबों को परफॉर्म करता है एक पर सेकेंड में। एक्यूरेसी, हम इसमें क्या करते हैं, ये हमको बहुत ही एग्जैक्ट रिजल्ट, सही रिजल्ट देता है। अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो आपको क्या करता है, सही रिजल्ट देता है। स्टोरेज, आप कंप्यूटर में बहुत से चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, बहुत से इंफॉर्मेशन को, और आपको जब भी आपको काम लगे फ्यूचर में तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। इंटेलिजेंस, अनलाइक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर आर हाईली कंसिस्टेंट। ह्यूमन बीइंग की तरह वो बहुत ही क्या है, हाईली कंसिस्टेंट है, वो जल्दी से क्या नहीं होता, बोर नहीं होता, वो थकता नहीं है, उसको आप जितना वक्त दोगे वो करेगा। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, हम लोग थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकता। वर्सिलिटी, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जो कि बहुत से परफॉर्म करती है टास्क, जो भी आप दोगे वो आप करेगी, और उसको हर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर क्लासेस। कंप्यूटर को थ्री क्लास में क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड है ऑन द मोड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन यूज, कौन से मोड ऑफ डाटा पे रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे पहला एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि फिजिकल फिनोमिना जैसे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या हाइड्रोलिक क्वांटिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि ऑपरेट करता है काउंटिंग, जैसे इसमें कॉन्टीन्यूस सिग्नल आते रहते हैं इनपुट के। एग्जांपल जैसे डिजिटल थर्मामीटर, स्पीडोमीटर एक्सेट्रा। अभी मैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल, इससे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये ज़ीरो और वंस की डिजिट से वर्क करता है। ये डिजिट अगर इसको अलग वर्ड से देखें तो डिजिटल कंप्यूटर एक काउंटिंग डिवाइस है जो कि ऑल एक्सप्रेशन आर कोडेड इन डिजिटिस फॉर बिट। ये बिट के फॉर्म में मतलब कि सारे इंस्ट्रक्शन को लेता है, सारे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है कंप्यूटर में ग्रुप ऑफ बिट्स के नाम से। हाइब्रिड कंप्यूटर कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। एक कॉन्टीन्यूस सिस्टम होता है, इसमें आप नॉन लीनियर डिस्क्रीट फीचर होता है। डिजिटल कंप्यूटर सच एज स्टोरिंग वैल्यू, लॉजिकल एंड स्विचिंग। दिस कंप्यूटर आर मोस्टली यूज विद प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट। इस कंप्यूटर का यूज़ कोई भी इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है प्लांट का, रेफिनरीज का, तो इस प्लेसेस में इसको यूज़ किया जाता है। सिग्नल और डाटा एंटर होते हैं कंप्यूटर में, जैसे एरिया ऑफ एप्लीकेशन हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, माइंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर, इनके साइज पे और प्रोसेसिंग पावर पे फिर इसको डिस्क्राइब किया गया है, बांटा गया है। तो जैसे सुपर कंप्यूटर, ये बहुत ही लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर होता है, ये रूम साइज का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर को साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, डिज़ाइन, वेपन,
इन सब कंप्यूटर का यूज़ साइंटिफिक और इंजीनियर एप्लीकेशन से किया जाता है, वो लोग करते हैं जैसे वेपन डिज़ाइन करने के लिए, हथियार बनाने के लिए, वेदर की जानकारी के लिए, बायोमेडिकल एनालिसिस करने के लिए, एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा होता है जो कि बहुत ही हाई स्पीड होती है, 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो जाते हैं। तो बहुत ही लार्ज साइज का होता है, इसको यूज़ करता है प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, इसमें लार्ज अमाउंट के डाटा प्रोसेस होते हैं बहुत जल्दी। दीज आर यूज्ड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। सम ऑफ द ऑब्वियस सेक्टर इन विच मेनफ्रेम कंप्यूटर, कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है, जैसे बैंक हो गया, एयरलाइन हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया सिस्टम, यहाँ सब यूज़ होता है। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये स्मॉल वर्जन है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसको डिज़ाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए 1 यूज़र एट अ टाइम एक यूज़र कर सकता है, मतलब एक यूज़र से ज़्यादा कर सकते हैं एक टाइम में, लेकिन 200 यूज़र तक। इट इज़ नॉट पोर्टेबल, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और जनरेट करता है बहुत ही हीट। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है। इसकी साइज़ बहुत कम है, इसके डेवलपमेंट में पीसी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है। ये क्या होता है, इंडिविजुअली आप कंप्यूटर एट होम स्मॉल ऑफिस, ये हर जगह पाया जाता है, आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, आपके ऑफिस में भी होगा। ये ड्यूरेबल और चीप और फास्ट एंड जनरेट लेस, ये ड्यूरेबल होता है और सस्ता होता है और फास्ट होता है और हीट भी लेस जनरेट करता है। कुछ फॉलोइंग टाइप से कंप्यूटर है जो है, टावर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पॉइंटॉप कंप्यूटर। पहला है टावर कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर डेटा पोजिशन वर्टिकली ऑन द स्टैंड, ये वर्टिकली रखा होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे फुल टावर, ये जो होता है एक ऐसा टावर होता है जो कि टावर कैरीज और कम अलॉन्ग विथ स्पीकर ऑन द सिस्टम के, इस सिस्टम यूनिट में स्पीकर के साथ आता है। और मिनी टावर, मिनी में स्पीकर के बिना आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये हॉरिजॉन्टली रखा होता है स्टैंड पे डेस्क पे, तभी इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफिस में पाया जाता है कि डेस्क पे रखा होता है और मॉनिटर उसके ऊपर रखा होता है। लैपटॉप कंप्यूटर दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर, इजली आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इसको लैब पे सपोर्ट करने के लिए कराया जाता है। ये जो कंप्यूटर होता है बहुत ही पोर्टेबल होता है, आप कंपेयर करो डेस्कटॉप पे या टावर कंप्यूटर से ले जा सकते हो। अब नोटबुक कंप्यूटर कहा जाए तो ये भी पोर्टेबल होता है, ये नोटबुक और टेक्स्ट बुक के साइज़ का होता है जो कि लिटिल स्मॉलर होता है लैपटॉप कंप्यूटर से, सेम टाइप का टास्क परफॉर्म करता है। पॉइंटॉप कंप्यूटर, ये भी बहुत स्मॉल होता है, इसको पान देखा हाथ उससे के बराबर का होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ऑर्गेनाइजर, स्ट्रक्चर, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज़ का कंप्यूटर होता है। ठीक है, कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज, अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो कोई चीज़ बुरी होती है। एडवांटेज, अगर आप कंप्यूटर नॉट ओनली यूज़ फॉर पर्सनल यूज़, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए ही नहीं केवल और भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ होता है, ये डाटा को रिकॉर्ड करती है कस्टमर की, बैंकिंग में भी
मेंटेन करता है अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, ऑनलाइन फैसिलिटी देता है, आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये रिड्यूस करता है लोगों की नीड को और इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी देता है। अभी आप डिसएडवांटेज को करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बहुत ही उससे यूज़ किया जाता है। हर कॉइन के टू फेसेस होते हैं, अगर कंप्यूटर अच्छा है तो कंप्यूटर बुरा भी है, उसके अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। मैनी पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर निगेटिव पर्पज, बहुत से लोग निगेटिव पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बहुत देर तक गेम खेलेंगे जैसे आप लोग, और वेस्टेज होता है टाइम का एनर्जी का। यंग जनरेशन बहुत से टाइम सोशल साइट्स पे बिता रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है हमारी सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है। ये इंक्रीज़ कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, इससे क्या बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिलता, जो काम दो लोग करते हैं मतलब दो लोग या दो से चार पांच लोग, वो अकेला कंप्यूटर कर लेता है, तो इस वजह से लोगों की भी नीड्स नहीं होती हैं। और डिसएडवांटेज है कि बहुत से अफॉर्म हो जाते हैं ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग उस पर अपने एक्सरसाइज पे, ट्रू फॉल्स। जैसे डिफरेंट मशीन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन डिफरेंट टाइप्स वर्क करती है, तो ट्रू सही बात है। IPO साइकिल स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हाँ इसका फुल फॉर्म यही है, इनपुट जाता है प्रोसेस होता है आउटपुट निकल के आता है। कंप्यूटर सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस, कंप्यूटर नहीं सफ़र करता है, ह्यूमन बीइंग सफ़र करते हैं, ह्यूमन बीइंग बोर हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग थक जाते हैं। स्पीडोमीटर इज़ द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, सही स्पीडोमीटर ही तो। बोथ द सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर आर स्लो स्पीड कंप्यूटर, फॉल्स, अच्छे से वर्क करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO, कंप्यूटर एक मशीन है, किसके प्रिंसिपल पे करती है, IPO बताया था ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड, कैन डू डैश ऑफ जॉब पर सेकेंड, कंप्यूटर क्या है बहुत ही हाई स्पीड में वर्क करती है, कितने जॉब कर लेती है, बिलियन ऑफ जॉब। अ डैश कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमेना, डैश कंप्यूटर कौन कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट 0 and 1, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं, जो 0 1 के फॉर्म में करती है। द डैश कंप्यूटर इज वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर होता है पोर्टेबल, जो इजली आप एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हो, लैपटॉप ना, लैपटॉप आप कहीं भी ले सकते हो, कंप्यूटर ले जा सकते हो, नहीं। टिक द करेक्ट आंसर, कंप्यूटर मेक अवर वर्क ईजियर बनाता है ना। इन IPO साइकिल डाटा इंस्ट्रक्शन आर एंटर इन टू मशीन, मशीन में ही जाता है। डैश कंप्यूटर ऑपरेट बाय मेजरिंग रदर एंड काउंटिंग, एनालॉग कंप्यूटर मेजर करता है, इसमें काउंटिंग वाला रहता है ना। फुल टावर कैरीज अ कम अलॉन्ग विद स्पीकर ऑन द डैश यूनिट, सिस्टम आता है ना टावर वाला, टावर कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर वेरी स्मॉल कंप्यूटर यू डिजाइन टू बी ऑपरेट पाल, क्योंकि वो आपके हाथ के साइज का होता है पाल टॉप कंप्यूटर जो होता है। हाउ कैन यू, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, कैसे कह सकते कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। तो बताया कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके वर्क को बहुत ही ईजी और फास्ट तरीके से करती है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ कंप्यूटर, तो फीचर्स क्या थे बताया था मैंने, एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, स्टोरेज अच्छा होता है, डेलीगेंस होती है और वर्सिलिटी होती है, तो ये फीचर्स आपके आंसर। हाउ कैन यू डिफाइन डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है बताया था मैंने कि वो उसके नाम से क्लियर होता है कि वो डिजिटली वर्क करता है और ये 0 1 की भाषा को समझता है,
इसमें काउंटिंग डिवाइस होती है डिजिटल कंप्यूटर में, जो कि कोडेड में होता है, बाइनरी कोडेड में, जिसको बिट कहा जाता है, जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ बिट के फॉर्म में। व्हाट इज मिनी कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर क्या होता है? तो मिनी कंप्यूटर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजिक कंप्यूटर होता है, जो कि साइज रिड्यूस हो गई है, ये डेवलप होते चला जा रहा है, स्मॉल ऑफिस और होम में यूज़ होता है, ये होता है मिनी कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ नोटबुक कंप्यूटर? तो नोटबुक कंप्यूटर क्या होता है? तो नोटबुक कंप्यूटर एक बॉडी पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, जिसको नोटबुक और टेक्स्ट बुक के साइज़ का होता है, जिसको हम लोग स्मॉलर देन होता है लैपटॉप से थोड़ा सा, वही टास्क परफॉर्म करता है जो सारे कंप्यूटर करते हैं। ओके, तो अच्छे से रिवाइज करिए इस चैप्टर को, और टेस्ट है आपको कल, तो अच्छे से प्रिपेयर रहिए। ओके, थैंक यू।